वेल बिगिन अगेन विथ सम क्वेश्चंस, वन डे और टू डे मोशन के क्वेश्चंस हमारे थोड़े बाकी है, सो वी विल स्टार्ट अगेन विथ सम सिंपल क्वेश्चंस। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अप, वॉट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दैट वेन यू टॉक अबाउट डायरेक्शंस, डायरेक्शंस होते हैं 2D प्लेन पे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब आप बात करते हो तो वो सरफेस पे बात होती है। तो जब आप बोलते हो ईस्ट, तो पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, मतलब अ बॉडी इज गोइंग 6 मीटर हियर लेट्स से, देन 8 मीटर ईस्ट, देन 8 मीटर ईस्ट, राइट, देन 10 मीटर वर्टिकली अप। तो यहां पे हो जाती है गड़बड़, क्योंकि हम 2D प्लेन पे 3D ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं तो गड़बड़ होगी। सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। तो आपको समझना ये है कि यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉर्मली दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ से 90 डिग्री पे राइट साइड पे ईस्ट, तो ये 6 मीटर नॉर्थ है, देन दिस इज ईस्ट, इफ यू वॉन्ट आई जस्ट चेंज कलर, दिस इज 8 मीटर ईस्ट हियर एंड देन 10 मीटर वर्टिकली अप। तो ये ऐसा डायग्राम आएगा, तो वी आर इन टू अ 3D प्लेन नाउ। तो आपको पूछा है वॉट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो आई मीन दे आर आस्किंग यू वॉट इज दिस वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ओवर हियर। 6 मीटर, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन बाय द वे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, 6 मीटर ईस्ट, 8 मीटर, सॉरी 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर अप। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वॉट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बताओ, टेल मी व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आई वांट टू नो व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज ईस्ट, पॉजिटिव एक्स, व्हाट इज नॉर्थ, पॉजिटिव वाई, है ना, व्हाट इज जेड, इज पॉजिटिव जेड ऑफ कोर्स, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अब यहां पे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इजीली समझेगा, 6 मीटर, 6 i कैप, राइट, तो दिस इज 6 i कैप वेक्टर, 6 i कैप वेक्टर, देन यू हैव 8, सही कर रहा हूं क्या मैं, सही कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो ना, नहीं, 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ है, गुड, तो दैट इज वेयर यू नीड टू पे अटेंशन, 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ मतलब 6 j कैप, उसके बाद 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट मतलब 8 i कैप, उसके बाद 10 मीटर वर्टिकली अप, तो 10 मीटर वर्टिकली अप मतलब 10 j कैप। मैंने यही पहले ड्रॉ किया था विदाउट शोइंग यू एक्सिस, तो अभी मैं एक्सिस ही बता रहा हूं, 10 k कैप। तो नाउ यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक मैंने यही डायग्राम ड्रॉ किया था बट विदाउट टेलिंग यू, विदाउट शोइंग यू एक्सिस, तो मैं अभी एक्सिस बता रहा हूँ, ये है फाइनल वेक्टर, तो बताओ क्या करेंगे, 10√2, करेक्ट, कैसे किया, इजी है, एग्जैक्टली, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस केस में इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, तो इट इज जस्ट, आई मीन इट इज जस्ट आर बार इक्वल टू 6 j कैप प्लस 8 i कैप प्लस 10 k कैप, खत्म। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ
x component square plus y component square plus z component square. 8 square plus 6 square 100 होता है, पता होना चाहिए. 100 plus 100 2 times of 100 होता है, तो 2 times of 100 मतलब 10 root 2 meter. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. गड़बड़ कहाँ होती है? वर्टिकली अप को भी वो j ले लेते हैं, तो 10 plus 6 16 j कर देते हैं. तो that is not how it works. You need to understand that directions are on a 2D surface, plane surface. Easy question tha. Next. A person is, a person moves 30 meter north, then 20 meter towards east. 30 meter north, 20 meter east. And then finally 30 root 2 meter in southwest direction. मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो पहले मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ. ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड वेस्ट. तो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट. मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ. Let's say this is origin 30 meter north. उसके बाद कहाँ गया वो? It goes 20 meter east. 20 meter east गया. उसके बाद कहाँ गया? 30 root 2 southwest. मतलब ये इस direction में आया हो. 30 root 2 meter. तो 30 root 2 meter is, let's say, this particular vector. 30 root 2. This is 30 root 2. Okay. Good. करेक्ट है, करेक्ट है डायग्राम, करेक्ट है क्या? हाँ नहीं, आई एम आस्किंग यू इफ द डायग्राम इज करेक्ट. डायरेक्शन इज करेक्ट, डायरेक्शन इज करेक्ट, बट 30 रूट टू साउथ वेस्ट विल बी समवेयर हियर. क्यों समझेगा आगे? यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस. क्योंकि ये रेड वेक्टर जो है दैट इज 30 मीटर. खुद इमेजिन करो ना, आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो आप 30 मीटर वहां जा रहे हो, फिर 20 मीटर यहां गए. व्हाट इज 30 इनटू रूट 2? 30 इनटू 1.4. हाउ मच इज 30 इनटू 1.4? अराउंड 42. तो 42 साउथ वेस्ट में गए, तो तुम तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे तो नहीं पहुंचोगे, राइट? सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट गोइंग in second, in third and fourth quadrant here, right? Because hota hai ye, I have seen ye seedha vector yahan se start karke yahan lag jate hain. Are aisa nahi ho, you are right, but here only direction matters. To humko sirf direction ka hi dekhna hai, to direction ka kaam ho gaya. Isko hata do yahan se. Next, so what they are asking you, the description of the person from the origin will be, let me give some names to it. मैं मान लेता हूँ ये origin है, फिर origin से A पे गया, A से B पे गया और B से C पे आया. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए OC vector, correct? Then you should know that this angle is 45. क्यों? Southwest direction makes an angle of 45 with west and south. Northeast makes an angle of 45 with east and with north. Correct. तो ये ऐसा है. Then clear यहाँ तक? Good. How do you solve this question now? What is OA vector? What is OA vector? O से लेके A तक का vector क्या होगा? कितना meter है? 30. तो क्या आएगा? 30 है. J क्या? Correct. AB vector क्या आएगा? 20 i cap. फिर BC वेक्टर ये क्या आएगा? BC वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये कंपोनेंट, एक होगा ये कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट 45-45 पे है. तो कितना आएगा ये? 30 root 2. ये जो कंपोनेंट है ये आएगा sin कंपोनेंट, है ना? तो ये आएगा BC sin 45, ये आएगा BC cos 45. तो आपको मिलेगा 30 root 2
है ना, 30√2। बीसी की वैल्यू तो 30√2 ही है ना, कॉस ऑफ 40 माइनस आई कैप कि नेगेटिव में पॉइंट कर रहा है वो, बराबर माइनस 30√2 साइन ऑफ 45 जे कैप। चाहिए तो तुम माइनस यहां पे लिख दो, फिर बोल सकते हो सिंस इट इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन दैट्स व्हाई, करेक्ट। व्हाट इज कॉस 45 साइन 45 1/√2 1/√2, बराबर। तो आपको बीसी वेक्टर क्या मिल गया, माइनस 30 आई कैप माइनस 30 एक्सीलेंट। अब हमको क्या चाहिए, ओसी। मैं डायग्राम से बोल सकता हूं क्या, ओ ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ओ सी बार। मैं ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, बराबर ना। अल्टीमेटली कहां से कहां पहुंचा, ओ टू सी, तो ओ सी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस थ्री, राइट, डिस्प्लेसमेंट है वो, करेक्ट। व्हाट इज ओ ए, 30 जे। व्हाट इज ए बी, 20 है। व्हाट इज बी सी, माइनस 30 आई माइनस 30 जे एंड दिस इज इक्वल टू ओ सी बार। तो माइनस और ये कैंसिल, तो ओ सी बार क्या आया, माइनस 10 है क्या, बराबर माइनस आई कैप मतलब अलोंग वेस्ट डायरेक्शन है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, फिर क्या बोलोगे आंसर में, 10 मीटर अलोंग वेस्ट, राइट, क्लियर है। क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट ये था समझना कि वेदर यू आर गोइंग डाउन द ओरिजिन और नॉट, मतलब आप बेसिकली साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट में जा रहे हो कि नहीं, यू नॉट गोइंग इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड फोर्थ, बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड 30 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर यहां पे, फिर 30√2, इट नेवर गोज बिलो ओरिजिन, क्लियर, गुड। कर भी दोगे तो डजंट मैटर रियली, तुमने कर भी दिया होता ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली बीसी वेक्टर तो यही बनता जो बना है ना, फिर एड अप करोगे सबको तो यू विल गेट ओसी इक्वल टू माइनस 10 आई कैप, मतलब 10 मीटर अलोंग वेस्ट, क्लियर। अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज, बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। T1 कितना है, T1 कितना है, फर्स्ट 1 आवर, T2 कितना है, नेक्स्ट हाफ आवर, टोटल टाइम T कितना है, T1 प्लस T2, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप बोलोगे यस V1 इज इक्वल टू D1 बाय T1, तो हमको क्या चाहिए डिस्टेंस, तो आप बोलोगे D1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1, मतलब पहले में 60 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, D2 विल बी V2 T2, तो V2 इज 40 एंड T2 इज हाफ, तो 20 किलोमीटर हुआ, फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, D1 प्लस D2, T1 प्लस T2, दैट इज 60 प्लस 20 अपॉन 3/2, तो 80 बाय 3/2, दैट इज 160/3, 160/3 इज 53.333, है ना, ऑप्शन नंबर बी, राइट। और वो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए मैंने यूनिट्स एसआई में कन्वर्ट नहीं किया है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेट मी जस्ट टेक अ ट्रेन फर्स्ट, देयर इज अ ट्रेन व्हिच इज 150 मीटर लॉन्ग, ओके, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, so it is moving with some speed of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter is, matlab aisa hamare paas ek bridge hai, maan lo
थोड़ा अच्छा ही ड्रॉ कर लेते हैं, आई डोंट लाइक सच थिंग्स. सो देयर इज अ ब्रिज विच इज 850 मीटर लॉन्ग. इस ट्रेन को, ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड स्पीड ऑफ ट्रेन इज दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर. हाउ डू यू कन्वर्ट इन टू मीटर पर सेकेंड? 18, राइट, मीटर पर सेकेंड. दिस इज 9 2 9 5 25 by 2. छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे. फिलहाल करेक्ट. तो बताओ कैसे सॉल्व करोगी? 150 + 850 वो टोटल डिस्टेंस रहेगा. डू यू एग्री विथ हिम? ही इज सेइंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 850, क्योंकि ये 850 मीटर है और ये 150 मीटर है. ही इज सेइंग टोटल डिस्टेंस इज 150 + 850, मतलब 1000. इज ही करेक्ट? हमको तो ट्रेन को 850 मीटर ही क्रॉस करवाना है ना, तो फिर व्हाट ही इज सेइंग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट डू यू मीन बाय कि ट्रेन क्रॉस कर गई, मतलब क्या? मतलब ये होता है कि ट्रेन के फ्रंट एंड ने एंटर किया और ट्रेन का बैक एंड ने लीव किया. दैट इज व्हाट यू से द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द ब्रिज, करेक्ट? तो टोटल लेंथ क्या लोगे फिर? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज. तो टोटल, क्योंकि फ्रंट एंड एंटर करेगा मतलब ब्रिज पे अभी ट्रेन आया, और बैक एंड ने लीव किया मतलब अभी ट्रेन ने पूरी तरह से क्रॉस कर लिया. गुड. तो टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज. दैट इज 150 + 850, दैट इज लाइक 1000 मीटर, राइट? टाइम कैसे निकालते हो? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लाइक 1000 by 25 by 2. मैंने इसलिए बताया उसको कैंसिल मत करो. 1 and 40, तो 80 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको टू क्रॉस दैट ब्रिज, करेक्ट? 80 सेकेंड आना चाहिए. फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. क्लियर? 100 मीटर ओके, लाइक द सेम थिंग, ज्यादा फर्क नहीं है. 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी अभी भी आपको 25 by 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ, यहां पे टोटल डिस्टेंस जो आप लोगे दैट इज 1100 मीटर. 1 किलोमीटर 1000 मीटर एंड देन दिस सिंपल थिंग. तो वापस वही है, v/d, d/v, ओके, इजी है ये भी, ये फैक्टर है. 44 88 सेकेंड, तो ये जस्ट अ रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन का. अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 centimeter. सो लेट्स से दिस इज अ फिक्स्ड टारगेट. बुलेट यहां से एंटर किया, 3 centimeter अंदर जाने के बाद स्पीड जो है वो हाफ हो गया. तो मैं बोलता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट? ओके. हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग इट फेसेस कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन? हाउ मच फर्दर, मतलब ये सी पॉइंट पे आके रुकने वाला है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये एस टू कितना है ये पूछा है, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. तो क्या करेंगे, इसको मैं दो केसेस में लिखने वाला हूं. केस वन, ए टू बी, राइट? करेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा वो ए पॉइंट पे आएगा. यू ए इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू यू, यू ही बोल देता हूँ बस. फाइनल वेलोसिटी जो है एट बी पॉइंट, दैट इज लेट अस से जस्ट वी, करेक्ट? ये कितना है, यू बाई टू, क्योंकि हाफ
वेलोसिटी लूज हो गया. करेक्ट. डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने फर्स्ट केस में? 3 सेंटीमीटर. ओके. तो ये जो गिवन डेटा है यहां से हमको क्या मिल सकता है? रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है ना, बोला ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है. तो कैसे करोगे? वी वन स्क्वायर इक्वल टू यू वन स्क्वायर माइनस टू ए वन एस वन, है ना. माइनस की प्लस सोच एक बार. हाँ, लेकिन लेकिन वो सॉल्व करने के बाद आपने अब नेगेटिव आ जाएगा. सॉल्व करो, दिस इज यू बाई टू, यू स्क्वायर बाई फोर, है ना. दिस इज यू स्क्वायर प्लस 3, है ना. 3 सेंटीमीटर है वो, उसको रहने दो सेंटीमीटर में. आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो वी डोंट केयर फॉर द टाइम बीइंग. यू स्क्वायर बाई फोर माइनस यू स्क्वायर इज माइनस 3 u² / 4, और ये 6a1, 1 जा 2 जा, तो a1 इज इक्वल टू माइनस u² / 8. आ गया माइनस अपने आप. यस yes. तुम अगर वहां माइनस करते तो अभी फिर ये प्लस लिखना पड़ता. गुड. अब केस टू, बी टू सी, फाइनल वेलोसिटी इन केस टू, तो मैं बोलूंगा v2 is 0, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू स्टॉप. इनिशियल वेलोसिटी इन केस टू इज द फाइनल ऑफ केस वन, v1, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? u/2, है ना. a से b, b से c, तो b पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो पहले केस का फाइनल है, लेकिन दूसरे केस का इनिशियल है. गुड. तो अभी हमको ये डेटा पता है, हमको क्या फाइंड करना है? s2, है ना. हाँ, तो फिर वापस वही v2² = u2² + 2a2 s2, बट रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो a2 और a1 की वैल्यू सेम है. वेरी गुड. No, yeah. Okay, so I don't want to go to next page, so I'm going to adjust things here because we just want a little bit of space now. V2 is 0, U2 is, aapne bataya, U/2 uska square, U² / 4, minus 2, a2 = a1 = y 8 into s2. तो ये आ गया आपका इजी है, वन आंसर आ गया, राइट. क्योंकि ये 2 नीचे 8 तो 4, तो आ गया आपका u² / 4 = u² / 4 times of s2, तो s2 = 1 cm. करेक्ट. हाँ, इजी क्वेश्चन था. तो यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. Right, good. Next question. Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A. So there are two boys, one at A, one at B. The distance between these two is A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. मतलब यहाँ भागना शुरू किया उसने. Right. With velocity v1. So his velocity is v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t. So the boy at A starts running with velocity v and catches with velocity v in time t, where t is, how much is t? This is what they're asking you. Easy question hai. Let's say c point pe pakad liya usko. So this is your childhood game,
You used to play pakdam pakdai. So this is physics. बताओ कितने टाइम में पकड़ा? इजी है. Have you learned Pythagoras theorem? Right. Yes, but here side AB is distance. Side BC and AC are velocities. How do you find out distance if you have velocity? Multiply by time. बराबर ना? Multiply by time. क्योंकि टी टाइम में पकड़ लिया, टाइम मेरे लिए और उसके लिए सेम ही होने वाला है ना. इट्स नॉट लाइक अगर मैंने 5 सेकंड में पकड़ा तो उसको 10 सेकंड होंगे, ऐसा तो नहीं होगा. टाइम इज सेम फॉर बोथ ऑफ अस, है ना. ए के लिए भी बी के लिए भी टाइम इज सेम. नाउ यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स इट. सो यू विल से वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट टी. वैसे आंसर मिल गया, इट्स जस्ट दैट You need to notice. क्यों? मैं इसको शिफ्ट करूंगा, मैं बोलूंगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस माइनस आ गया, बात खत्म हो गई. तो वी स्क्वायर और वी वन स्क्वायर दिखना चाहिए, दोनों के बीच में माइनस दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ना. तो टी स्क्वायर आपने निकाल लिया कॉमन, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, t is equal to under root of. So if your observations are good, v square minus v1 square aana chahiye aur dono root mein aana chahiye. Ek hi option hai, option number b. Simple question. See, humne kya kiya, triangle ke do sides ko in terms of distance likh liye, kyunki hum log Pythagoras theorem maths mein nahi kar rahe, physics mein kar rahe. To physics mein tino sides should be same physical quantity. डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तब जाके मैं अप्लाई कर सकता हूं. अ कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो ओके, यू आर नॉट राइट हियर. वो हाफ द टाइम के लिए होता है. यहां पे स्पीड वी वन था 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस. And the remaining half of distance, it was 60 kilometer per hour. मैंने बताया भी था आपको, V average in this case is, अगर आपको formula याद नहीं है, तो 1 upon V average is equal to 1 upon V1 plus 1 upon V2 plus 1 upon V3 and so on. Correct? Yes, 2 V1 V2 by V1 plus V2. 2 into 40. Into 60 upon 40 plus 60, that is 100. So 2 into 4 into 6. क्योंकि मैंने वो 0 0 और नीचे 100 कैंसिल कर दिया. तो 2 into 4, 8 into 4, 8 into 6. 2 into 4 is 8. 8 into 6 is 48. Option number C. यहाँ पे एवरेज करते तो 50 आंसर लिखते, है ना? एवरेज ओवर टाइम की बात कर रहा हूँ मैं. Correct? A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then very good question, excellent. So ye actually graphically bhi solve ho sakta hai. So I want you to think about it and solve now. What you need to do here is, सबसे पहले what I see is lacking from your end is you are not able to understand how to solve a question. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. Matlab u is equal to 0 in first case. Correct. If it travels a distance s1, matlab s ka information diya hai pehle 10 second mein. Correct. Okay. And a distance s2 in the next 10 seconds. Very good. Particle is experiencing constant acceleration for 20 seconds. उसमें से पहले 10 सेकेंड में s1 distance travel किया है और अगले 10 सेकेंड में s2 travel किया है. नहीं, that is what I am telling you. What you know is s equal to ut plus 1/2 at square.
केस वन फॉर T1 इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि 20 सेकेंड को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला है। अब S1, क्योंकि पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना था, S1 था, वेरी गुड, 0 प्लस हाफ, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बोला है तो मैं A ही लिखूंगा और मैं 10 स्क्वायर करूंगा तो आपको मिल गया 50A। अब इसके आगे दो तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक 0 से 20 देख लो सीधा, 0 से 20 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, S1 प्लस S2 बराबर है ना, या दूसरा एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 0 टू 20 सेकेंड अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा S1 प्लस S2 क्योंकि 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, S1 और S2 इक्वल टू U की वैल्यू 0 प्लस हाफ A, T कितना 20, तो S1 प्लस S2 कितना आया मेरे पास 400/2 200A बराबर, उसमें से S1 कितना है 50A, तो 200A माइनस S1 मतलब 150A बराबर, मतलब मैं S2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या इसको 50A इंटू 3 लिख सकता हूं, मतलब S2 इज इक्वल टू S1 इंटू 3 मतलब S1 इज S2 बाय 3। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है, व्हाट यू कुड हैव डन इज V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट 10 सेकेंड्स यू हैव 10A एज स्पीड, फिर ये आप बोलते S2 इज इक्वल टू U2T प्लस 1/2 AT2 स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू U2 इज फाइनल स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड जो होगा 0 to 10, वो नेक्स्ट केस के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। हाँ, तो 10A इंटू 10 प्लस 1/2 A 10 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 10 to 10 100, ये आ गया 50, तो 150A, यहां से भी वही यहां से भी वही। आई प्रिफर दैट मेथड क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है, तो आई डोंट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, वो सब मुझसे होता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसलिए S1 प्लस S2 लिख के सॉल्व करता हूँ, करेक्ट। तो व्हाट इज लैकिंग इज दैट, देखो मैं समझता हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेस देन 3 मिनट्स है ऑन एन एवरेज, है ना, बट इट डजंट मीन कि आप सोचोगे नहीं और सॉल्व करते जाओगे, बिकॉज यू हैव टू थिंक अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो थोड़ा सोचो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाय, वैसे मूविंग नहीं होता तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू में टी नहीं आता है ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी फिक्स इफ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग, टी आ गया मतलब मूविंग है। स्पीड एट एनी पार्ट एंड ऑफ द पार्टिकल एनी मोमेंट, व्हाट इज स्पीड बाय द वे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कैसे लिखते हो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अच्छा तो वी एक्स निकालना है दैट इज डी एक्स बाय डी टी, तो डी डी टी ऑफ, वैसे ओरल क्वेश्चन था ए टी स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2AT, सिमिलरली वी वाई आपका आएगा 2BT, तो आपके पास वी आएगा विच इज अंडर रूट ऑफ 2AT का स्क्वायर प्लस 2BT का स्क्वायर, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, 2t स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लिया, तो 2t स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो दिस शुड बी योर स्पीड, व्हेन आई विल टेक स्पीड, उसको स्ट्रेस टेस्ट बोलता हूं मैं, 15 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स फॉर यू, 15 questions in 20 minutes solve करना पड़ेगा यहाँ बैठ के, within 20 minutes, तो actually वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, 15 मिनट में होना चाहिए वो सब। तो अभी वापस से एक क्वेश्चन है, I want to know from your side, a body is moving from rest under constant acceleration, let S1 be the displacement in first P minus 1 second, मतलब S या SN
S या एस एन, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट एन सेकेंड्स, एंड एस suffix n is the distance traveled in nth second. तो क्या बोला है, first p minus 1 second, मतलब s का formula use करोगे कि sn का करोगे, s का. तो s is equal to क्या था, ut plus 1 half at square, उसमें से distance कितना बोला है, s1 बोला है, u तो 0 ही है, plus 1 half a, t कितना है, p माइनस वन, वेरी गुड. तो s1 मिल गया हमको, a बाई टू p माइनस वन का स्क्वायर. एंड s2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p सेकेंड्स, मतलब s2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब वापस से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है ना. तो जीरो प्लस हाफ a p स्क्वायर, तो s2 आपको मिल गया a बाई टू टाइम्स ऑफ p स्क्वायर. The displacement in p square minus p plus 1th, मतलब sn use करना है, very good. So you have to use sn over here. So you have to pay attention on this small things. So now you will say sn is equal to क्या था formula? U plus a by 2 2n minus 1. So s p square minus p plus 1 is equal to u, you know, plus a by 2 p square minus p plus 1 minus 1, right? Correct. That is equal to u plus a by 2 2p square minus 2p plus 2 minus 1. So 2p square minus 2p plus 2 minus 1 is plus 1. Very good. Good. Excellent. So ab kya karenge fir? Ab ye a by 2 ko multiply karenge andar. To ye ho jayega aapka u plus, ya fir waisa nahi karna hai to factors bhi dhoond sakte ho. You, can you factorize 2p square minus 2p plus 1? How do you factorize this particular thing? 2p square minus 2 plus 1 factors kaise karte ho? I am listening. How do you factorize? Or u वैसे भी 0 है. I am unnecessarily writing u again and again. जरूरत नहीं है. Initial जो है वो 0 है. So I don't want to write this at all because it's 0. Yes. So tell me, how do you factorize? Factors to aane chahiye na? Sun raha hu main. Chodo. A by 2. 2p square. Matlab? Very good. Minus. A by 2. 2p. Barabar. Correct? Main इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ऐसा, a by 2 को पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल कैंसिल कर दिया, राइट. बट कैंसिल करने में मेरा क्या फायदा, वेरी गुड. तो बताओ अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू एडजस्ट s1 एंड s2. फैक्टर्स नहीं पता आपको, फैक्टर्स. Can you find out two numbers whose multiplication is plus 2 and addition is minus 2? How do you factorize? How do you factorize? मुझे ये बताओ, 2p square minus 2p plus 1 के factors कैसे करते हो? अरे how do you factorize ax square plus bx plus c ke factors kaise karte hain? You have to find two numbers jiska multiplication 2 hona chahiye,
एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस टू होना चाहिए. हाउ डू यू फैक्टर दिस? 1. कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? काम चलेगा क्या इससे हमारा? नहीं. तो फिर क्या करेंगे? कहाँ पे 2p लेना पड़ेगा? तो बताओ मेरे को, आई वॉन्ट फैक्टर्स. नहीं तो एक सिंपल तरीका और भी है. मैथमेटिक्स यू हैव टू वर्क आउट अलॉट. चलो ये बताओ मुझे, व्हाट इज p माइनस वन स्क्वायर? हाँ, p स्क्वायर. वेरी गुड. तो अभी अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? एक्सीलेंट. तुमको ये समझ तो आ गया कि मैं 2p स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 2p प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं क्या? 2p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. हाँ, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल सकता हूँ ना. हाँ, तो डाल दिए फिर. तो ये क्या आ गया आपका? a बाई टू पी स्क्वायर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो ये आपका आ गया p माइनस वन. तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, a बाई टू पी स्क्वायर प्लस a बाई टू पी माइनस वन स्क्वायर. ये एक s1 है, एक s2 है, तो s1 प्लस s2. अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो जस्ट लुक देयर, p माइनस वन स्क्वायर. फैक्टर्स करोगे तो भी चलता है, नहीं करो फैक्टर्स करने का अल्टीमेटली वही रहेगा आपका, बट थोड़ा वो लंबा प्रोसेस है. तो इसलिए फिर क्या करना, अरे यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी माइनस वन स्क्वायर है, तो पी माइनस वन स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन. तो सिर्फ एक टू है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो पी स्क्वायर को, टू पी स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख दी. सिंपल राइट. तो दिस थिंग्स यू हैव टू लर्न. रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंसेस. Time is alpha x square plus beta x. Alpha beta constant. Retardation is. How do you find out retardation? What is retardation? What is retardation? Motion. What is retardation? Acceleration basically. The acceleration मतलब dv by dt. Very good. Right. तो सबसे पहले You have to find out dx by dt. मतलब पहले v find करना पड़ेगा ना. तुम्हें a चाहिए, that is dv by dt. उसके लिए तुम्हें पहले v चाहिए. v is dx by dt. तो मैं क्या करूँगा? I will differentiate this with respect to x. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं dt by dx कर रहा हूँ. तो d dx of t क्या है? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. तो मैं लिख दूंगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x. तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा. बट व्हाट यू नो इज v is डी एक्स बाई डी टी विच इज 1 अपॉन डी टी बाई डी एक्स. मतलब v इज 1 upon 2 alpha x plus beta. Right. तो अभी हम a कैसे find करेंगे? How do you find out a then? dv by dt. Correct. Clear. But v is not a function of t. तो फिर कैसे derivative लेंगे? अगर v t का function नहीं है तो उसको बोलते हैं chain rule. dv और dt को सेपरेट कर दिया, dx dx एडजस्ट कर दिया. इसको बोलते हैं चेन रूल. बिकॉज v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t डायरेक्टली, v इज अ फंक्शन ऑफ x. देखो v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t. तो इसलिए हम लोग इसको चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो अभी मेरे पास व्हाट इज dx बाय dt बाय द वे? एग्जैक्टली गुड.
तो वेलोसिटी लिख दिया मैंने, तो dv by dx, yes, तो dv by dx, तो a is v dv by dx, correct? तो a is v and dv by dx, d dx of, v क्या है आपका 1 upon 2 alpha x plus beta, तो a is equal to v d dx of 2 alpha x plus beta raised to minus 1. आपको मैंने f of x raised to n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था f of x raised to n का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो n f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, पहले पावर को आगे लाओ, फंक्शन एज इट इज लिखो, पावर माइनस वन करो, वापस जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो, है ना? तो v ये है आगे आपका f of x और ये आगे आपका n, तो क्या करेंगे पहले n लिखेंगे, फिर 2 अल्फा x प्लस बीटा पावर माइनस वन, माइनस वन माइनस टू, एक्सीलेंट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्लियर? गुड, लेट मी मेक सम स्पेस, थोड़ा नेक्स्ट टाइम से आई विल ऑर्गेनाइज मोर प्रॉपरली. ओके, राइट, तो a इज इक्वल टू माइनस v, ये है v का स्क्वायर, ये v स्क्वायर है ना, क्यों? क्योंकि नीचे जाएगा, लेकिन 1 अपॉन दिस 2 अल्फा x प्लस बीटा इज v, यहां से लुक हियर, है ना? हाँ, तो इसका मतलब 1 बाय v स्क्वायर नहीं, ये v स्क्वायर है इटसेल्फ, ओके, और इसका डेरिवेटिव 2 अल्फा बीटा का जीरो, बीटा इज कांस्टेंट, 2 अल्फा x का डेरिवेटिव 2 अल्फा कांस्टेंट dx by dx 1 प्लस बीटा का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि बीटा क्या है कांस्टेंट है, मतलब 2 अल्फा आएगा यहाँ पे, मतलब आपको मिलेगा माइनस 2 अल्फा v क्यूब, कहां पे है 2 अल्फा v क्यूब, माइनस क्यों आया, बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, क्लियर? डेरिवेटिव लेने आएंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, लेट मी जस्ट ऑर्गेनाइज दिस लिटिल प्रॉपरली, अदरवाइज आई कीप मेकिंग मेस. So, तो ये आपको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी बीइंग 7 मीटर पर सेकेंड, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड, इजी है, s5, इट इज u प्लस a बाय 2, 2 इंटू 5 माइनस 1, 7 प्लस 4 बाय 2, दिस इज 9, है ना, 18 plus 7, 25. 1s are 2s are 18 plus 7, 25. A particle is moving with uniform acceleration, travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 second each, matlab pehle 4 second mein 24, agle 4 second mein 64, aisa travel kiya. What is the initial velocity? So I want you to try it out first and then I'll tell you the solution. Look here, I told you how to solve such questions. वही चीज है जो हमने यहां पे सॉल्व की थी. सेम है. कैसे? देखो, डिस्टेंस
traveled in the first 4 seconds, ko main s1 bol deta hu 24. I can write s1 is equal to u1t plus 1/2 a t1 square. Okay, so so yes, so we are live again. Just a minute. You may want to take chair and sit if you want. Screen chota hai. Right. So, in this case, you already know u t1 plus 1/2 a t1 square. Kyunki axis in uniform hai, to dono case mein a likhne wala hu. S1 is 24. U1 तो find करना है, T1 4 है, तो 4 times of U plus half A, 4 square is 16, तो मुझे मिल जाएगा यहां से 24 equal to 4U plus 8A equation number 1, correct? यह होगा case 1, है ना? तो case 1 में हमने क्या किया? 0 to 4 second. What I'll do in case 2 is 0 to 8 second. मैं 5 to 8 भी कर सकता था, लेकिन मुझे 4 to 8 कर सकता था, लेकिन मुझे 4 second पे फिर speed नहीं था. S1 plus S2 is equal to U. Total time जो लूँगा मैं, वो 8 लूँगा, है ना? तो I will just say directly 8 U plus half A 8 square 32 a this is 64 plus 24 88 8 u plus 32 a ye aa gaya 11 kyunki 8 common nikal raha hu main cancel kar raha hu u plus 4 a correct right equation number 2 main isko bhi simplify kar sakta hu what I can take common is 4 here तो यहां पे भी मैं बोल सकता हूं 6 equal to u plus 2 है इसको बोल देते हैं equation number 1 अब अगर मुझे u चाहिए तो मुझे पहले a find करना पड़ेगा या फिर equation number 1 को 2 से multiply करूंगा और equation number 2 को उसमें से subtract कर लूंगा तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 12 इक्वल टू 2u प्लस 4a और 11 इक्वल टू u प्लस 4a और सबट्रैक्ट कैंसिल ये आपका आ गया u इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड Yes, that is what you are supposed to do. So option number A, right? If you are not comfortable, you can come near. Two chairs hai, you can just come here. Right. Next question. The position of a particle moving in the xy plane at any time t is given by x is equal to 3t square minus 60 and y is equal to t cube t square minus 2t. Select the correct statement about the moving particle from the following. The acceleration of the particle is 0 at t equal to 0. The velocity of the particle is 0 at t equal to 0. The velocity of the particle is 0 at t equal to 1. अच्छा तो बेसिकली क्या है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले मैं vx निकाल लूंगा यहां से दैट इज dx / dt तो पहले टर्म का डेरिवेटिव 2t into 3 मतलब 60 minus 6 और vy is 2t minus 2 वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां पे क्यों t equal to 1 डालेंगे अगर हम लोग t equal to 1
x कंपोनेंट भी जीरो, y कंपोनेंट भी जीरो, मतलब वेलोसिटी ही जीरो। तो t इक्वल टू वन पे, t इक्वल टू वन पे वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सीलरेशन विल नॉट बी जीरो। क्यों नहीं? क्योंकि ax क्या मिलेगा 6 और ay क्या मिलेगा 2। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो बिकॉज एट t इक्वल टू वन vx इज जीरो एंड vy इज जीरो। तो ओवरऑल v इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दिस इज जीरो। करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ हॉलो ट्यूब ऑफ 4 मीटर लेंथ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 km/s. It is accelerated in the tube and comes out with a speed of 9 km/s. The time for which it remains inside the tube is. कैसे सॉल्व करोगे? What is an alpha particle, by the way? सुन रहा हूँ, बताओ. What is helium atom? दो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को हटा दो, क्या बचा? हीलियम एटम का न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा पार्टिकल। सो यस, टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, राइट? तो इजी है। इनिशियल स्पीड दिया है आपको, यस, कितना? 1 km/s, मतलब 1000 m/s। फाइनल वेलोसिटी दिया है आपको 9 km/s, मतलब 9000 m/s। टाइम फाइंड करना है तो पहले देखना पड़ेगा कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड। वैसे बाय द वे उन्होंने बोला है 4 m का लेंथ है, मतलब एस भी दिया हुआ है आपको, बराबर। फिर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से a निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। वी स्क्वायर 9 × 10³ का स्क्वायर 81 × 10⁶ माइनस 10⁶ अपॉन 2 × 4 = 8। ये 80 है ऊपर, 81 − 1 = 80, नीचे 8 है, तो 10 आ गया। 10 × 10⁶, मतलब 10⁷ m/s² का एक्सेलरेशन है। Clear? The time for which, how do you find out time if you have acceleration? कैसे find करते हो? What? नहीं ना, तीन kinematic के equation में पहला कौन सा था? Exactly. तो v minus u by a is t. v is equal to u plus 80 से आता है। What is v? 9 × 10³. What is a? तो 8 × 10³ और 10⁷ ऊपर जाके माइनस, तो 8 × 10⁴ - 4 ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, इजी था। दो काइनेमेटिक के इक्वेशन यूज करने हैं, एक से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है निकाल लो, वहां से टी मिल जाएगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s² अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 8 m/s² अलोंग द वाई एक्सिस। तो ए एक्स और ए वाई दिया है। Its distance from the origin after 4 seconds will be distance. कैसे निकालोगे? Starts from rest. अच्छे सुन लो, u zero t दिया है, a x और a y दिया है, और आपको s पूछा है। S इक्वल टू यू टी 1/2 AT² एस इज इक्वल टू 0 + 1/2 √ax² + ay² × t². तो S इज इक्वल टू, आपके पास ये आ गया, 1/2 √
एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर हमको पता है ये 10 होता है ओवरऑल, और टी आपको 4 दिया है उसका स्क्वायर है, तो एनीवेज ये 10 बाई 2 इंटू 10 बाई 2 इंटू 16 160 बाई 2 80 मीटर करेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y is equal to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. Initial velocity and acceleration will be, initial velocity is a joke hai. It's completely a joke. How do you find out initial velocity? Pehle to velocity nikal lo dy by dt. Haan, ye v aa gaya aapka. A 0, bt ka derivative b, ye 2 ct, ये माइनस फोर डी टी क्यूब। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इंप्लाइज टी इक्वल टू जीरो, मतलब वी इक्वल टू बी, तो वी इक्वल टू बी आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं आएंगे। एक्सेलरेशन ए एस डी वी बाय डी टी, तो बी जीरो हो गया है ना, तो 2c माइनस 4 इंटू 3 12 डी टी स्क्वायर करेक्ट। तो t इक्वल टू 0 डाल दिया तो a इज इक्वल टू 2c, अति घाई संकट नहीं करेक्ट। इजी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है करेक्ट। सो वेट, नेक्स्ट an elevator car whose floor to ceiling distance is 2.7 meter starts ascending with constant acceleration of 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins to fall from the ceiling of the car. The free fall time of the bolt is, ek lift hai, एलिवेटर कार मतलब लिफ्ट होता है, ये लिफ्ट है जिसका आपको डिस्टेंस दिया है ग्राउंड टू सीलिंग, दैट इज 2.7 मीटर। इट इज असेंडिंग अप, ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। After 2 seconds from the rest, a bolt, यहाँ पे एक bolt है, there's a bolt over here, यहाँ पे bolt, it starts falling down. The free fall time is, so how much time the bolt will take to reach the ground, ground in the sense नीचे floor तक आने के लिए, ceiling से floor तक आने के लिए कितना time लगेगा? How do you solve this question? It is a joke basically. एग्जैक्टली, फ्री फॉल टाइम हमने सीखा ही, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, ये सीखा है हमने, पर यहाँ पे ओवरऑल लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो g प्लस a, याद है क्या? एक बॉडी है रेस्ट पे है, हाँ मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया तो रेस्ट पे है, तो टेंशन t इज इक्वल टू mg। अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स क्या है? ऊपर है, मतलब t माइनस mg इज इक्वल टू एफ नेट, एंड एफ नेट इज ma, मतलब t इज इक्वल टू mg प्लस a, तो एक्सेलरेशन इज g प्लस a इफ द सिस्टम इज गोइंग अप, एंड इट इज g माइनस a इफ द सिस्टम इज कमिंग डाउन। ओके, तो यहाँ पे यही चेंज है कि सिर्फ g प्लस ए हो जाएगा, 2 इंटू हाइट इज 2.7 एंड 9.8 प्लस 1.2 दैट इज 11, तो अंडर रूट ऑफ 5.4 अपॉन 11, रफली 5.5 बाय 11, 1 बाय 2, रफली 1 बाय 2 है ना, तो 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज 1.414, that is roughly 1.5, roughly 1.5, 3 by 2 मतलब 2 by 3, root 6,
वो भी ठीक है ना, क्योंकि ये रफ रफ 2/3 मतलब 0.66, तो फिर तुमने बोल दिया रूट सिक्स। कैसा करते हो सॉल्व इसको, सॉल्व कैसा करते हैं? वन देखो, पहली बात तो 5.4/11 है, मतलब 1/√2 आएगा, मतलब रूट सिक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, और 1/2 आने के बाद 1 का भी आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया, करेक्ट। तो मैं लिख देता हूं इसको 1.414 को, मतलब 3/2, मतलब 2/3, 2/3 कितना होता है 0.66। अभी 0.66 आ गया तो 0.54 का भी रूट का क्वेश्चन कहां से आया, 0.7, करेक्ट। तो वही तो क्या है ये, ये देखो, टेल मी वन थिंग, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a, लेकिन a क्या लिखोगे, t स्क्वायर, बराबर s के जगह पे h u जीरो है, 1/2 g प्लस a t स्क्वायर, हाँ तो फिर 2h by g प्लस a is equal to t स्क्वायर, तो वहीं से तो बनता है ये इक्वेशन, इट्स द सेम थिंग, विदाउट जी कैसे चलेगा, जी तो गिरेगा क्यों नीचे फिर, देयर इज नो ग्रेविटी, तो न्यूटन ने जो लॉ बनाया तो सभी गलत हो गया फिर, न्यूटन ने नहीं बनाया, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, एक्सेलरेशन ए इन मीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2 where t is in is a time, if the particle starts out with velocity, starts out initial velocity 2 meter per second at t equal to 0, then the velocity at the end of 2 second is, it's a joke, aisa hai, aapko pata hona chahiye acceleration hota hai dv by dt, right, iska matlab main sirf a ki jagah pe likh raha hu yahan pe dv by dt equal to 3t² + 2t + 2, मतलब ये आ गया क्वाड्रेटिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब v और t दो वेरिएबल है, सेपरेट कर सकता हूं, यस dv को एक साइड रखता हूं, dt को शिफ्ट कर देता हूं, हो गया, फिर अभी इंटीग्रेट करो, एक बार हो गया इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके तो फाइनल तक, टाइम कहां से, जीरो से बोला है उन्होंने, जीरो से टाइम बोला है ना, 2 सेकेंड तक, राइट, करेक्ट, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा बोल दो टी, फिर बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे, फिर हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 2 बोला है, फाइनल तो फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन डीवी है, करेक्ट, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 सेकेंड बोला है, 3t² + 2t + 2 dt, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज जस्ट वी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x बिटवीन 2 टू v, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3t³/3, इसका 2t² / 2, इसका 2t बिटवीन 0 टू 2, ये आया आपका v माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे 3 3 कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, तो t³ 2³ इज 8 प्लस 2² t² इज 4 प्लस 2 × 2 इज 4 और बाकी तो लोअर लिमिट 0 0 0 ही आया, तो 16, तो v इज इक्वल टू 16 + 2 दैट इज 18, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए इंक्लूड करता हूं सो दैट आपका डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। The x and y coordinates of a particle at any time t are given by x is equal to 70 + 4t² and y is equal to 5t. X and y are in meter, t is in second. Acceleration at
5 सेकंड। ये तो जोक है अभी, क्योंकि क्या है vx इक्वल टू 7 प्लस 8t, vy इज इक्वल टू 5, ax इज इक्वल टू जस्ट 8 एंड ay इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू ax क्योंकि y कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करो 8 मीटर पर सेकंड। ओरली होता है क्वेश्चन ये। A car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds. Car at rest accelerates 144 into 5 by 18. 18 1 ja, 18 8 ja. 8 5 ja 40 meter per second in a period of time 20. And then it will cover a distance of s equal to ut plus 1 half at square. So it is equal to 0. So because I don't know what is acceleration, so I'll say s 0, है ना? Plus half a is v minus u by t or t square. तो मैं cancel, मैं मतलब a अलग से निकाल सकता था, but I'm a little lazy to do these things, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे formula में डाल देता हूँ. Final 40 initial ये और 20 second, तो 400 second का 400 meter का distance travel करेगा. Correct? Simple? अभी ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. द रिलेशन 3t इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 6 डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर x इज इन मीटर t इज इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 s. दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. एक तो बहुत सारे बुक्स दे डू सम नॉनसेंस थिंग व्हिच आई डोंट लाइक, वो बोलते हैं 3t इक्वल टू रूट ऑफ 3x प्लस 6, राइट? फिर वो बोलेंगे 3t minus 6 root 3x. फिर वो बोलेंगे squaring on both sides. बहुत टाइम है उन लोगों के पास, तो कर लो, टाइम वेस्ट. करेक्ट. फिर वो बोलेंगे ओके, तो वी हैव x इज इक्वल टू 1 by 3 a इसका पूरा, फिर इसको भी वो ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं. आई विल नॉट डू इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. हमको चाहिए वेलोसिटी, हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो पहले तो मैं वेलोसिटी निकाल ही लेता हूँ, dx by dt, that is velocity. मुझे पता है कर सकते हैं ना, ddt of 1/3 3t minus 6 का स्क्वायर. तो इफ आई नो डेरिवेटिव्स, व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम? 1/3 इज अ कांस्टेंट व्हिच आई विल डायरेक्टली प्लेस आउटसाइड फर्स्ट एंड आउटसाइड द डेरिवेटिव आई मीन. ठीक है, तो मैं टाइम पास थोड़ा सा कम करूंगा. ओके, देन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव याद है क्या? एन एफ ऑफ एक्स 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t माइनस 6 विथ रिस्पेक्ट टू t, कितना? 3. तुमको नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, ddt ऑफ 3t माइनस 6. करेक्ट. तो ये आ गया आपका 2 by 3 3t माइनस 6 इंटू 3, कैंसल एंड कैंसल. तो मुझे v क्या मिला? मुझे v मिल गया 2 into 3t minus 6, राइट? मतलब मैं इसमें से 3 भी कॉमन निकाल लूंगा, मतलब मैं बोलूंगा 6t minus 2. फिर if v is 0, then अगर v 0 है तो 6 into t minus 2 is 0, मतलब t is equal to 2 seconds. तो velocity 0 कब हुआ? 2 second पे. तो displacement क्या होगा? ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, या फिर बेटर टू से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है. तो पुट टी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0, है ना? बराबर 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 6 0. तो व्हेन velocity is 0, displacement is also 0. ये है normal method. इतना लंबा. अब
हम देखेंगे शॉर्टकट। क्या था इक्वेशन? 3t इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, बराबर। मैं बोलूंगा 3t इक्वल टू रूट थ्री रूट एक्स, रूट एक्स इज एक्स रेस टू 1/2 प्लस सिक्स। मैं ले लूंगा डेरिवेटिव यहीं पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3dt बाय dx इज इक्वल टू रूट थ्री एज इट इज, एक्स रेस टू हाफ का डेरिवेटिव हाफ, एक्स रेस टू हाफ माइनस वन, सिक्स का डेरिवेटिव जीरो आता है। तो आई विल से 3dt बाय dx इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू एक्स रेस टू हाफ। फ्लिप फ्लिप, तो मुझे मिल जाएगा dx बाय 3dt, और ये 3 को मैं वहां भी लिख सकता हूं, तो बाद में कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 बाय रूट थ्री एक्स रेस टू हाफ, बराबर। तो dx बाय dt कितना? v, बराबर। 2 इंटू 3 कितना? 6 बाय रूट थ्री एक्स रेस टू हाफ, बराबर। अभी हमको दिख रहा है क्या v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू हाफ, है ना? तो इफ v इज जीरो, x इज ऑल्सो जीरो, नहीं तो जीरो होगा ही नहीं x। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखा है मैंने, 6 बाय रूट थ्री कॉन्स्टेंट है ना? अगर v जीरो होगा तो ही x जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी जीरो इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। नो, सिंपल क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या आएगा? x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है? n x रेस टू n माइनस वन, तो x रेस टू हाफ का डेरिवेटिव क्या आएगा? हाफ। ओके, तो दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वो बुक का पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव टोल्ड वन और टू बुक्स टू चेंज, पर नहीं करते वो लोग, तो आई कांट हेल्प देम। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.9 किलोग्राम एट रेस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। इफ द बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, सो व्हाट यू आर गिवन इज मास, व्हाट यू आर गिवन इज time for which the force acts, what you are given is distance 250 meter, magnitude of force. How do you find out force if you are given MST? What is force? Very good. How do you write acceleration in terms of SNT? Dx square by dt square. नहीं समझा मेरे को, ठीक है। तो व्हाट आई विल टेल यू इज, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना? तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, एस यू जीरो है, राइट? जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछ रहा था ए को इन टर्म्स ऑफ एस एन टी कैसे लिखोगे, तो 2s बाय टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्या होता है फिर, नहीं तो पहले यहां से आप a फाइंड करोगे, फिर वो आप f इक्वल टू एम ए में डालोगे। सो इट्स ओके इफ आई कैन डू दिस, m a इज 2s बाय टी स्क्वायर, तो 2 इनटू m इज 0.9, इट इज 250, एंड टाइम कितना? टाइम कितना? 100। तो ये क्या है? ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये है 44.5 न्यूटन। कैसे? 500 बाय 100, 5 इंटू 0.9, 4.5 न्यूटन। दिस इज फर्स्ट, मैं पहले ये निकालू फिर मैं ये डालूंगा, इट्स ओके, करेक्ट? 4.5 न्यूटन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds,
then goes for a constant speed of 30 and decelerates at 4 meter per second square till it stops. What is the distance traveled by it? 850 meters. क्यों? ये क्वेश्चन जो है आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. एक है वो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन जो भी है, v equal to u plus at, s equal to ut plus 1 half at square, v square equal to u square plus twice s. दूसरा है ग्राफिकल. I want you to solve it via graphical method. I told you once, I remember correctly, कि हमारे पास vt ग्राफ से हमको दो चीजें मिलती है. कौन सी दो चीजें मिलती है vt ग्राफ से? एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द कर्व. क्या होता है? डिस्टेंस, v इनटू t. v बाय t इज एक्सेलरेशन, दैट इज स्लोप, एंड v इनटू t दैट इज एरिया अंडर द कर्व इज एक्सीलेंट. सो मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई प्रिफर टू हैव ग्राफिकल मेथड. बेसिकली देखो क्या है, पार्टिकल इज accelerating at 2 meter per second square. It is accelerating, मतलब ये हो गया, correct? Like this for first 10 second. उसके बाद it goes for constant speed for 30 seconds. 30 second तक वो constant speed पे चलता रहा. Then it decelerates at 4 meter per second square. ज्यादा स्लोप होगा क्योंकि ज्यादा डी एक्सेलरेशन है. समथिंग लाइक दिस टिल इट स्टॉप्स. ओके, वेरी गुड. तो अब देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज पता होनी चाहिए, यहां पे ये एक चीज पता होना चाहिए. पहला कितना? 10 सेकेंड्स. फिर कितना? 30 सेकेंड्स, करेक्ट. वेरी गुड. अब मुझे बताओ, रेस से स्टार्ट हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है 10 सेकंड के लिए, तो v इक्वल टू u प्लस at. u तो 0 था, a कितना है? 2, t कितना है? 10. तो 10 सेकंड का स्पीड कितना हो गया उसका? 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? नो, राइट. देन थोड़ा सा इट इज टिल्टेड बिकॉज़ आई एम लुकिंग फ्रॉम अदर एंगल, तो पार्डन मी फॉर दैट. तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड का ही स्पीड है, यहाँ पे जीरो स्पीड है. पर टाइम कितना वो देखना पड़ेगा. देखो एक बात समझो, जीरो से 20 तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 10 सेकंड. कितना एक्सेलरेशन था? 2, करेक्ट. ओके, तो 20 से जीरो जाने के लिए अगर डीएक्सेलरेशन भी 2 होगा तो टाइम कितना लगेगा वापस से? 10 सेकंड. जितना मैं 0 से 20 तक गया, इफ ए इज कांस्टेंट, तो 20 से 0 आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा. पर यहां पे डीएक्सेलरेशन डबल है, टाइम कम लगेगा, हाफ लगेगा. कैसे? यू कैन प्रूव इट, यू कैन प्रूव इट, एक्चुअली यू कैन प्रूव इट. सो हाउ डू यू प्रूव इट? कैसे प्रूव करोगे? टी आना चाहिए एक मिशन में, एंड स्पीड आना चाहिए, ए आना चाहिए. एस इक्वल टू एटी प्लस नहीं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी. वी जीरो, यू ए दो, टाइम बराबर, राइट, करेक्ट. गलत बोल रहा हूं, 4 लिखना है. एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा था आपको कितना आया यहाँ पे, कितना आया? 5 सेकंड आया कि नहीं? अगर मैं इस पोर्शन पे अप्लाई करता तो v कितना? 20, u कितना? 0, a कितना? 2, t कितना आता? 10. हाँ, तो अगर डीएक्सेलरेशन डबल रेट से है तो टाइम आधा लगेगा. तो अगर आपका इतना स्ट्रांग मैथमेटिक्स है, क्योंकि देख के समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे आएगा, देखो 10 प्लस 30 तो ये आना चाहिए आपका 40, है ना? वो टाइम इंटरवल था 30 सेकंड्स, लेकिन 10 प्लस 30 इज 40, तो ये आना चाहिए आपका यहाँ पे 45, क्योंकि 5 सेकंड में काम हो गया. बराबर, क्लियर?
what is this area? Half base into height. Base कितना 10, height कितना 20, उसका half, 200 का half कितना, ये area कितना, ये interval कितना है 30 का है, into 60 मतलब 600, तो 750 आंसर आया। कैसे? फिर ये हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना 5, हाइट कितना 20, 100 का हाफ 50, 50 प्लस 600 प्लस 100, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको देखना है कि इक्वेशन से कैसे सॉल्व होता है, करो अपना टाइम वेस्ट। मैं दोनों सॉल्यूशन देता हूं क्योंकि यहां पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। सी यू हैव टू परफॉर्म आई डोंट नो हाउ मेनी स्टेप्स। Right. Is this easy? Yes. So you have to find some smart ways of doing for yourself. Okay.